जय श्री कृष्ण दोस्तों, लोग ये सवाल करते हैं कि क्या भगवान श्री राम मांस का सेवन करते थे? यदि नहीं तो फिर क्यों माता सीता ने श्री राम से हिरण मार कर लाने के लिए कहा था और श्री राम उसे मारने भी चले गए थे? जबकि हिंदू धर्म में जानवरों को मारना पाप है, तो क्या भगवान श्री राम मांसाहारी थे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पुराणों में एक श्लोक आया है जिसमें ये बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास जाते समय ये प्रतिज्ञा की थी कि वे वन में कभी भी मांस का सेवन नहीं करेंगे। वह वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष तक केवल कंदमूल, फल और शहद पर जीवन व्यतीत करेंगे। वर्णित श्लोक में श्री राम जी की इस प्रतिज्ञा के कारण कई लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री राम मांस का सेवन करते थे, इसलिए वन जाने से पूर्व उन्होंने मांस का सेवन न करने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन हम यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। भगवान श्री राम ने यह प्रतिज्ञा इसलिए ली क्योंकि कई बार वनों में भोजन की कमी हो जाती है और भोजन न मिलने के कारण जीवन व्यतीत करने के लिए मांस का सेवन करना ही पड़ता है। इसी कारणवश भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ली कि किसी भी परिस्थिति में वे मांस का सेवन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े। अब ये प्रश्न उठता है कि फिर क्यों माता सीता ने भगवान श्री राम से हिरण मार कर लाने के लिए कहा। दोस्तों, माता सीता ने श्री राम से हिरण मार कर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था, क्योंकि जंगल में उस अद्भुत सुनहरे हिरण के बच्चे को देखकर माता सीता उस पर मोहित हो गई थी तथा वे उसे पालना चाहती थी। इसलिए उन्होंने श्री राम से हिरण को लाने की इच्छा जाहिर की। प्रभु श्री राम ने उस समय माता सीता को बहुत समझाया कि सोने का हिरण होना असंभव है, यह एक माया है, लेकिन माता सीता नहीं मानी। इसलिए माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम हिरण को पकड़ने उसके पीछे चले गए। जब श्री राम हिरण के पीछे भाग रहे थे तो वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता था। यह देख प्रभु श्री राम समझ गए थे कि यह कोई हिरण नहीं बल्कि कोई मायावी राक्षस है, इसलिए श्री राम ने उस हिरण को मार दिया। और क्योंकि वह एक राक्षस था, इसलिए श्री राम को पशु हत्या का पाप भी नहीं लगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि माता सीता ने श्री राम से हिरण लाने के लिए क्यों कहा था और ना ही कभी भगवान श्री राम ने मांस का सेवन किया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।